अगर कार चलानी है तो पहले बेहतर है कि आप कार बाइक सीखो। मुझे तकरीबन 14 इयर्स हो गए हैं, मैं तब 8th क्लास में होती थी तब मैंने सीख ली थी। अपने हस्बैंड को कभी लिखती है कि आज आपने तो मुझे कहीं नहीं लेके जाना है, मैं ही आपको कहीं ले जाती हूँ, ऐसा हुआ है कभी? कभी मुकाबला तो नहीं हुआ आपस में, चल भी आज हम रेस लगाते हैं? हमारे डिपार्टमेंट ने हमें कॉन्फिडेंस कुछ और तरह से दिया है। हमारे डिपार्टमेंट ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बहुत मैच्योर और बहुत एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस दिया है हमें। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सेफ सिटी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रिमशा आवान और मैं हूं मोहम्मद फाइक। नाजिन, आज हमारे प्रोग्राम में ऐसी पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा अहम फैसला किया। रिमशा, उनका फैसला ये था कि वो जब भी ऑफिस आएंगी उनको किसी की भी मदद की जरूरत नहीं होगी। वो कैसे? वो इस तरह से कि उन्होंने बाइक चलाना सीख लिया, खुद ही बाइक चलाना सीख लिया और अब वो बाइक पर ऑफिस आती हैं। उन्होंने बाइक चलाना किससे सीखा और ये फैसला किस तरह से उन्होंने किया, ये उन्हीं से पूछते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है नहीदा इलियास, उनको वेलकम कहते हैं। नहीदा, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। नहीदा, कैसे आपने ये फैसला किया कि आप बाइक चलाएं? ये थोड़ी ज़्यादा पुरानी बात है, मुझे स्टार्टिंग से ही शौक था कि मैं ड्राइविंग करूँ। तब हमारे घर अल्हम्दुलिल्लाह कार होती थी, तो मैंने ऐसे ही एक दिन अब्बू से ड्राइव मांगी तो उन्होंने कहा कि बेटा अगर कार चलानी है तो पहले बेहतर है कि आप कार बाइक सीखो, क्योंकि उसका गियर सिस्टम इनका सेम होता है। तो बाइक का ये है कि थोड़ा सा अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो भी जाए तो नुकसान ज़रा कम होता है। तो बस फिर अब्बू का मशवरा था, फिर मैंने सीखी, उनसे ही सीखी थी और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं चला रही हूँ। कितना अर्सा हो गया आपको बाइक चलाते हुए? मुझे तकरीबन 14 इयर्स हो गए हैं, मैं तब 8th क्लास में होती थी तब मैंने सीख ली थी। तो स्कूल भी आती जाती थी बाइक पे कि नहीं? स्कूल में रेयर है क्योंकि वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू भाई होते थे पिक एंड ड्रॉप के लिए, तो उधर तो कभी जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, नहीं था चला, इसका मतलब है कि आपने पहले से ही चलाना शुरू नहीं की, सीख पहले ली थी लेकिन अब आप लाहौर आई तो हॉस्टल में रही तो आपको इसकी ज़रूरत महसूस हुई कि अब मुझे चलानी चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि कहीं पे भी आने जाने के लिए रिक्शे वगैरह के बसों के धक्के खाने पड़ते थे। तो मैंने फिर अब्बू से ज़िद की, मैंने कहा अब्बू बाइक भेज दें। एक्चुअली ये मेरी अपनी बाइक है, मुझे वाओ से मैंने ली थी। अच्छा नहीदा, भी आपने वाओ बोला, नाज़रीन को बताऊँ कि ये वाओ क्या चीज़ है? वाओ था एक के वुमेन ऑन व्हील्स, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ये विश थी के प्रोजेक्ट था कि जो हमारी जो फीमेल्स हैं जिनको इधर उधर आने जाने के लिए प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जिनके घर में हर किसी के घर में बाप भाई नहीं है लेने लाने ले जाने के लिए कहीं पे भी, तो उनको थोड़ा सा इंडिपेंडेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव। वैसे भी आप आउट ऑफ सिटी से हैं या लाहौर में रहती हैं तो आप अकेली होती हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप खुद बाइक चला लेती हैं। जी ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप मुझे बताएं कि बाइक आपने किससे सीखी? बाइक वैसे तो अब्बू ने सिखाना स्टार्ट की थी लेकिन फिर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह घर में जिसको मौका मिलता था वो मुझे कुछ ना कुछ सिखाते थे। ठीक है, भाई थे, चाचा थे, कजन्स थे, मामू लोग, सब नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो बाइक चलाना थोड़ा मुश्किल नहीं होता क्योंकि इसकी बैलेंसिंग बड़ी मुश्किल होती है, आपको कई दफ़ा बैलेंस आउट हो जाता है। है तो सही लेकिन बस ये है कि वही कहते हैं ना कि जब आपको काम आ जाता है तो वो आसान हो जाता है आपके लिए। जब मैंने सीखना स्टार्ट की थी मुझे मतलब 2-3 बार मैं गिरी भी हूँ, बड़ी स्वेर किस्म की चोटें भी आई थी मुझे। अच्छा, हाँ, वैसे बंदा गिरता जरूर ऐसे है। हाँ जी गिरता ज़रूर है, तो लेकिन यह है कि अब सीख लिया तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए ईजी है। अच्छा नहीं था, पहले मुझे ये बताएं कि इससे पहले आपने साइकिल चलाना भी सीखी उसके बाद बाइक चलाई या डायरेक्ट ही बाइक से स्टार्ट किया? वैसे मुझे साइकिल भी पहले आती थी, घर में थी भाई की थी तो वो छोटी ज़रा होती है जो, तो उस पर मैंने सीख लिया हुआ था, फिर मैंने बड़ी साइकिल भी चलाना सीख ली हुई थी। अच्छा, तो बस ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बैलेंस था, कंट्रोल में थी, साइकिल भी चलाती थी। तो अब फिर जब मैंने बाइक स्टार्ट की तो मैंने बाइक पहले इस तरह से स्टार्ट की थी कि अब्बू ने कहा कि पहले खाली बाइक को ना ऐसे ही बैठ के ना स्टार्ट किए बगैर थोड़ा सा इसको ना धक्के के साथ चला के ज़रा पाँव ऊपर रख के दोनों किसी को कहो कि धक्का लगाए, हाँ थोड़ा सा बैलेंस करना सीखो। अच्छा, तो जब वो हो गया था फिर अब्बू ने ग्रेजुअली मुझे सिखाया था कि कैसे अब स्टार्ट करना है, किस तरह से आपने पहले गियर में चलानी है और जो भी मतलब इसके सारा प्रोसीजर है फिर उन्होंने सिखाया था मुझे। अच्छा नहीं था, मुझे ये बताओ कि अब तो आपने चलाना सीख ली है लेकिन जब आपने ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि उसके बगैर आप चला नहीं सकती, उसके हसूल के लिए कोई मुश्किल तो नहीं आई? वहाँ पे जब मैंने जाके टेस्ट दिया था तो वो बल्कि थोड़े से अमेज्ड हो गए थे देख के, मतलब आपको तो बिल्कुल सही आती है। उन्हें यह था कि शायद इसे
थोड़ी बहुत आती होगी तो ये अब लाइसेंस के लिए आ गई है। अच्छा अच्छा। लेकिन जब मैंने उन्हें राइड दे के दिखाया कि मैं इस तरह से मतलब चला लेती हूँ, तो उन्होंने मतलब वो खुश हुए थे देख के, अच्छा इन्हें आती है, इन पे ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। ऑफिस सिर्फ बाइक पे आती है या और भी जो घर के काम है या फिर शॉपिंग के लिए जाना है, आपको किसी फ्रेंड की तरफ जाना है तो बाइक का इस्तेमाल करती हैं? बिल्कुल करती हूँ। अच्छा करती हैं। बहुत से अब तो बहुत से काम हैं जो बाइक पे ही होते हैं मेरे। ठीक है। नहीं तो कभी फाइक ये देखो लड़के लड़के आपस में एक दूसरे को लिफ्ट देते हैं, नहीं तो लड़कियां लड़कियों भी आपस में एक दूसरे को लिफ्ट दे देती हैं जाते हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पे अपने कलीग्स को काफियों को दी हुई है। अच्छा। तो थोड़ा सा एक दो ने तो मतलब हेजिटेशन का इजहार किया, लेकिन मैंने कहा यार बैठ जाना, चल तुझे दिखाती हूँ, मुझे आती है चलानी। अच्छा मैं सर आते हुए देखती हूँ ना हीदा वो जो बाहर वाला जो गेट है ना वहाँ से लेकर लड़कियों को यहाँ लेके आ रही होती है ऑफिस और ऑफिस से लेकर वहाँ छोड़ने जा रही होती है। इस तरह भी मैंने ये पिक एंड ड्रॉप भी दिया, पिक एंड ड्रॉप दिया। नहीदा अब तक आपने कितना लंबा सफर किया बाइक पे? बाइक पे अभी तक या सिर्फ लाहौर में अभी आप ड्राइव करती हैं? लाहौर में ही किया हुआ है, लेकिन अच्छा, ये कि लाहौर में अच्छी खासी जगहों पे मैं चला चुकी हूँ। हाँ जी, मैं इवन देख लें ठोकर पे कितना रश होता है, मैं ठोकर हाँ। से सक्सेसफुली वहाँ से सारा मतलब कि क्राउड क्रॉस करके मैं उसे आगे सोसाइटी में एक फ्रेंड होती है, कुलीग ही हैं उन उसके घर गई थी। थोड़ी सी दिक्कत हुई थी मुझे थोड़ी सी, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था, इतना ज़्यादा रश था तो थोड़ी सी नर्वसनेस थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली चली गई। को भी हो जाती है, जरूरी नहीं आपको। हाँ जी, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप लाहौर में आती हैं तो यहाँ पर रश थोड़ा सा होता है, ट्रैफिक ज्यादा होती है जी, बहुत तो आपको थोड़ी सी हेजिटेशन फील होती है, लेकिन आप लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कहीं मारी ना कहीं गिराई। अच्छा दीदा ये होता है कि अब तो माशाल्लाह आपकी शादी हो गई है और अपने हस्बैंड को कभी लिखती है कि आज आपने तो मुझे कहीं नहीं लेके जाना है, मैं यहाँ को कहीं ले जाती हूँ, ऐसा हुआ है कभी? नहीं, असल में ना एक बार मैंने उन्हें कहा था, थोड़ा सा उनको ना ये है कि मुझे रास्ते ज़रा ज़्यादा जल्दी याद हो जाते हैं, उन्हें थोड़ा कम, तो मैं एक बार थोड़ा सा ना ऐसे गुस्से में मैंने कहा, तो मैंने कहा कल आप मेरे साथ बैठना बाइक पर, आपको मैं यहाँ पर लेके आऊँगी। ठीक है। लेकिन ये है कि शादी के बाद दो तीन दिन बाद मैंने अपनी बड़ी नंद में से एक नंद को मैंने बिठाया था बाइक पे, एक पे दूसरी बाइक पे मेरे हस्बैंड ने। अच्छा, वो भी बाइक चलाते हैं, राइड लेके तो कभी मुकाबला तो नहीं हुआ आपस में, चल भी आज हम रेस लगाते हैं रोड पे निकल गए हो रात को लॉन्ग ड्राइव पे, कभी ऐसा हुआ? रिसेंटली जब मैंने घर में यहाँ पे शिफ्टिंग की है तो छोटे बहन भाई आए हुए थे, तो बस वो रात में जब हम वापस आ रहे थे ना तो फिर थोड़ी सी मेरी और भाई की हुई थी, लेकिन वो ऑब्वियसली भाई जीत के साथ हो जाती है, भाई के साथ की थी, लेकिन वो जाहिर है भाई जीत जाते हैं। ये मुझे बताएं कि खवातीन के लिए कितना जरूरी है कि उनके पास अपनी सवारी हो? मुझे अब जितनी आसानी है ना बाइक, आप समझती हैं, मुझे तो बहुत आसानी है। आप ये देखें कि सिर्फ मुझे आसानी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में मेरे हस्बैंड इतने रिलैक्स हैं कि अगर मैं टाइम पे नहीं भी हुआ नाहिदा के पास किसी काम के लिए, तो ये इस काबिल है कि खुद अपना कोई भी इशू, खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी होती है तो ये हैंडल कर सकती है। मेरे नज़दीक तो ये बहुत ज़रूरी है। नाहिदा अब तो आप पुलिस में हैं, आपको डर नहीं लगता होगा रोड के ऊपर, तो अगर आप पुलिस में ना होती हैं तो फिर भी क्या बाइक चलाती? वैसे डिपेंड करता है, मुझे वैसे बाइक चलाना बहुत अच्छा लगता है। चले इसको इस तरह से कर लेते हैं कि जब आपने पुलिस को ज्वाइन किया उससे पहले आपको शौक था कि इस तरह से मैं रोड पर बाइक चलाऊं? इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन ये है कि इस डिपार्टमेंट में आने के बाद हमारे डिपार्टमेंट ने हमें कॉन्फिडेंस कुछ और तरह से दिया है। हमारे डिपार्टमेंट ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बहुत मैच्योर और बहुत एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस दिया है हमें, हमें इंडिपेंडेंट कर दिया तकरीबन बहुत सारे मामला, एम्पावर करती है, एम्पावर किया अल्हम्दुलिल्लाह से। तो इस ये फैक्टर भी है कि जब मैं यूनिफॉर्म में आती जाती हूँ तो मुझे पता है कि मैं देखने वालों के लिए एक एग्जांपल के तौर पे हूँ, वो समझते हैं कि ये इवन पुलिस इवन रिमशा मुझे बहुत सारी फीमेल्स ने मतलब मेल तो देखते हैं नहीं देखते, मैं फीमेल्स को देखती हूँ, वो इवन कार में भी बैठी होंगी ना, अपनी ज़ाती कार चला रही होंगी, लेकिन मुझे देख के उनके चेहरे पे एक स्माइल आती है, एक अच्छी खूबसूरत स्माइल की उन्हें खुशी होती है देख के कि लड़की बाइक चला रही है। इवन मुझे थम्स अप मिलते हैं लड़कियों की तरफ से। हां जी, बहुत अच्छा काम, अच्छा लगता है यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह, पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट। हां जी बिल्कुल। नहीदा आप जो है वो इसके अलावा क्रिकेट भी खेलती हैं, उसका मुझे बताएं कि उसका कहाँ से शौक आ गया, आपको कोई लड़कियों वाला शौक भी है? घर के काम भी सभी कर लेती हूँ, अच्छा, कुकिंग अच्छा। और कपड़े धोना, सफाई वगैरह हर चीज़ जो लड़कियों वो मम्मी के डंडे ने सिखाया तो वो तो फर्स्ट था वो मम्मी का डंडा सब कुछ सिखा देता है। अच्छा तो हम अभी ये साथ साथ में आपको ये भी बताते चलूँ कि जो पंजाब सेफ सिटी की वुमेन क्रिकेट टीम है उनको भी लीड किया था एक बार हमारे मैच में, मैं भी शामिल थी, जीत कर आए थे। तो नहीदा जो है वो हमारी जो वुमेन
वुमेन क्रिकेट टीम है उनकी भी, उनको भी लीड करती हैं। तो आप, मैं समझती हूँ, थैंक यू सो मच निहिदा, आपका बहुत शुक्रिया और हम बहुत मशहूर हैं आपने अपने कीमती वक्त निकाला, अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। जी नाजीन, हमारे साथ ही निहिदा जिन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट और जो कि एक कॉन्फिडेंस जिनकी बिल्डिंग है और जो बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल बन गई हैं उन तमाम औरतों के लिए जो ये समझती हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते, ये काम थोड़ा सा मुश्किल है। मेरे ख्याल में निमिषा, एक पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि ख्वातीन सिर्फ इतना समझती हैं कि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, जब आप अपने अंदर एक खुद एतमादी ले आएंगी तो डेफिनेटली आप जिंदगी में हर काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसी के साथ अब हमें इजाज़त चाहिए, इजाज़त चाहिए, हमें फेसबुक पर फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। सेफ रहें, सेफ सिटी के साथ, अल्लाह हाफिज़।